गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको पापड़ बनाने के लिए सिखाऊंगी। ये देखिए, हम अभी चूल्हा लगाएंगे। जूली, चूल्हा पे सूजी का पापड़ बनाने के लिए आज मैं सिखाऊंगी। गांव में बना रहे हैं, आप गैस पे भी बना सकते हैं। एक लीटर पानी चूल्हा पे चढ़ाएं। इसको अभी गरम करेंगे चूल्हे पे। पानी एक या दो लीटर पानी चढ़ाएंगे गरम करने के लिए। अगर ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा पानी डालिए। हम ज़्यादा बना रहे हैं तो दो या तीन लीटर पानी चढ़ाएंगे। तीन लीटर पानी में किनवा गरमा छिया आधा किलो सूजी लेंगे। पानी गर्म हो गया, अब सूजी डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे। स्थिर से पहले ऊपर आना ना कर दी। हाँ ना कैसे ही तो आना ना कच्ची नहीं कच्ची कच्ची नहीं हाँ ठीक आना ना कच्ची तो इसको उबलते तक चलाते रहेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा डालेंगे और 5 लीटर पानी लगेगा आधा किलो सूजी में। पतला करके इस तरह से बनाएंगे पूरा और उबालेंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, अभी ये उबल करके तैयार हो गया है। ऐसे गीला करके इस तरह से उबाल लेंगे और अभी मैं इसको धूप में बनाऊंगी पापड़। इस तरह से पतला बनाएंगे। इस तरह से छत पे अभी धूप में ये देखिए गोल पापड़ बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पापड़ धूप में बना लेंगे और इसको सूखने देंगे। और इसमें आप टेस्ट लाने के लिए अजवाइन भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। ये देखिए, इस तरह से हम छोटे छोटे बना लेंगे गोल गोल करके और इसे पूरे अच्छी तरह से सुखा लेंगे धूप में। अगर आपको
ये सूजी का पापड़ अच्छा लगा तो आप ट्राई करें और बनाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अभी पापड़ बनके तैयार हो गया है, ये देखिए छोटे छोटे। अब मैं इसे सूखने दूंगी दिन भर, 2 दिन तक अभी ये सूखेगी क्योंकि ये गीला रहता है, ये धूप में सूखने के लिए डाल देंगे 2 दिन तक। सी फ्रेंड्स, अभी ये पापड़ सूख गया है, इसे हम इस तरह से ये देखिए ऐसे पलटा देंगे ताकि ये 2 दिन में सूख जाए। इस तरह से इसे सारे पापड़ को ऐसे पलटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पलटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे पापड़ पलटा के सुखा लेंगे और पूरे टाइट करके इसे सुखा लेंगे ताकि तेल में तलेंगे तो वो गीला ना रहे, उस तरह से सुखा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सूजी का पापड़ अच्छा लगा तो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर भी करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।